So we are talking about today is the nursing audit. So you all are doing audit? Yes. Which kind of audits you are doing? NABH. NABH. So is that you are doing? Or some external is coming to you? Some external, ma'am. So this is also one type of audit. Okay, so we'll talk about the nursing audit. What do you mean by nursing audit and what is the purpose of it? We'll go one by one. So to start any of the audit, what you need and why we are doing the audit? Proper way mein proper working ho rahi hai ya nahi ho rahi hai? Aur matlab kis effective way mein ho rahi hai ya ineffective? Us cheez ko matlab uska proper purpose ke liye hum hain. तो ऑडिट और क्वालिटी दोनों साथ साथ चलते हैं. बोथ आर सिमिलर टर्म्स. ओके, सो क्वालिटी इज व्हाट? क्वालिटी या जजमेंट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड और बैड. अगर आप ऑडिट नहीं करेंगे तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई और कितना अच्छा काम कर रहा है, हमें नहीं पता लगेगा. ठीक है, टू वांट टू नो वेदर वी आर रीचिंग द क्वालिटी, वी नीड टू डू द ऑडिट. और ऑडिट इज व्हाट? सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन टू एग्जामिन और वेरीफाई. वी आर वेरीफाइंग और वी आर एग्जामिनिंग समथिंग to see whether we are actually following the standards or not. ठीक है, तो क्वालिटी जो होती है, मैंने बताया ऑडिट के लिए क्वालिटी बहुत जरूरी है. क्वालिटी इज एवरी वन रिस्पॉन्सिबल. ऐसा नहीं है कि कोई जो ऑडिट करेगा वही रिस्पॉन्सिबल है. जो सारे इन्वॉल्व है आपकी टीम, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करना. सो एज पर द आइंस्टाइन एलिसन, नर्सिंग ऑडिट रेफरेंस टू असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग. जो हम पेशेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है, जो हम पेशेंट केरियर में काम करते हैं, उसको ऑडिट करना बहुत जरूरी है. अकॉर्डिंग टू गॉस्टर वेलफर, देर इज अनदर डेफिनेशन. नर्सिंग ऑडिट इज एन एक्सरसाइज टू फाइंड आउट वेदर गुड नर्सिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलोड. ये ऑल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, विच प्रैक्टिसेस यू आर फॉलोइंग फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट. जो आप प्रैक्टिस फॉलो करते हो केयर करने के लिए पेशेंट की, वो आप एक्चुअली फॉलो कर रहे हो, कैसे फॉलो कर रहे हो, कहाँ पे गैप्स हैं, उसको कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसके लिए ऑडिट करना बहुत बहुत जरूरी होता है. The audit is a means by which nurses themselves can define standards from their point of view and describe the actual practice of nursing. और इसलिए भी करते हैं कि वो अपने आप एक standards verify करना चाहते हैं कि जो हम काम कर सकते हैं कोई और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसको audit करके देखें, कोई नई technique लाएं जिससे कि और improvement हो. समझ में आया आप लोगों को definition? Yes, ma'am. अब purposes क्या होते हैं, करने के लिए क्यों करना हमें जरूरी होता है. इवैल्यूएट करता है नर्सिंग केयर को. जो आपने नर्सिंग केयर दी उसको इवैल्यूएट करेगा कि अपनी अच्छी करी, बुरी करी, और अच्छा कर सकते थे. अचीव डिजर्व्ड एंड फिजिबल क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं. ठीक है, क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, तो एक डिजायर्ड स्टैंडर्ड वो उसके लिए देगा. सिमिलर टू बेटर रिकॉर्ड्स, कि आगे कोई और आपकी स्टडी को पढ़ेगा, आपके रिपोर्ट को पढ़ेगा, तो उसे पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है. फोकस ऑन केयर प्रोवाइडेड नॉट ऑन केयर प्रोवाइडर. जब हम ऑडिट करते हैं तो हम किसी बंदे को पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि आपकी वजह से गलती हुई है, आप यही नहीं कर रहे हो. आपको किस पे ध्यान देना है? उस केयर पे ध्यान देना है, उस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है. इट कॉन्ट्रीब्यूट टू रिसर्च ऑल्सो लेटर ऑन, बिकॉज ऑडिट इज वन ऑफ द पैरामीटर, बट इट इज ओवरऑल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू रिसर्च प्रैक्टिस ऑल्सो. जो हम टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात कर रहे थे, तो अभी किसी ने बताया था NABH का ऑडिट होता है. तो दिस इज एक्सटर्नल ऑडिट. तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में हम बात करेंगे कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑडिट्स के. तो इंटरनल ऑडिटिंग भी होती है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग भी. इंटरनल ऑडिटिंग की हमारे ही हॉस्पिटल में हम ऑडिट करते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल या नर्सिंग डिपार्टमेंटल ऑडिट करते हैं जूनियर्स को. ठीक है, इंचार्जेस ऑडिट करते हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट से कोई बंदा असाइन करते हैं ऑडिट. For external audit is by done by the external agencies. जैसे NABH आता है, ISI आता है, ठीक है, DPCC आता है for pollution control board. They are doing the external audit to see the practices of the hospital. Is it clear? Clear आपको internal audit and external audit from the participants? Yes, ma'am. Next we have another classes: retrospective audit, concurrent audit, and peer review. So what do you mean by retrospective? Retro मतलब क्या होता है? दोबारा evaluation है. Not दोबारा, आप पीछे जाना है. जैसे कि अभी आप कर present में हैं, पर आप पीछे के records जाके check करेंगे. Retrospective मतलब अपने समय से पीछे जाना.
और इवैल्यूएट करना कि वहां पे उस टाइम पे कैसी प्रैक्टिसेस थी, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। कॉन्करेंट होता है जो अभी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, पीयर रिव्यू आप किसी कलीग्स के साथ आप करते हो। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन दिस रेट्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट एंड पीयर रिव्यू। तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, इट्स अ मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर बाय एग्जामिनिंग द नर्सिंग केयर एज इट रिफ्लेक्टेड इन द पेशेंट केयर रिकॉर्ड्स फॉर डिस्चार्ज पेशेंट। तो अभी तो हम ये ऑडिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्करेंट। तो हम पीछे जाके रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, पेशेंट की फाइल देखेंगे, हम नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे, जो भी पेशेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं वी विल रिव्यू दैट चार्ट्स एंड वी विल गो विल इवैल्यूएट कि कैसा वहां पे उस टाइम पे नर्सिंग केयर हो रहा था। In this type of audit, specific behaviors are described, then they are converted into the questions and examiner looks for the answers in the report. कि अगर कुछ भी example ले सकते हैं कि suppose हमें nursing care plan कैसा चल रहा है nurses का, तो हम उसके लिए क्या हम checklist define कर सकते हैं कि वो हो रही है कि नहीं हो रही, और कुछ random हम sample size लेके कि हमें 10 files audit करनी है, 20 files audit करनी है discharge patient की, या फिर हमें कुछ specific case define करना है कि हम kidney patients की करेंगे, या फिर हम जिनको fever के साथ आए, या फिर हम COVID ward में जो patients हैं उन्हीं का करेंगे। तो we have to define that audit sampling and we will do the audit according to that. तो what's the problem solving process used in the planning nursing care, कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम इसकी बात करें कि वो नर्सिंग केयर प्लान ऑडिट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस कुछ रख के और उसके आंसर लिख सकते हैं साथ में आफ्टर द इवैल्यूएशन, कि वाज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस यूज्ड इन द प्लानिंग नर्सिंग केयर। जब हम नर्सिंग केयर को प्लान करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखा गया, वेदर द पेशेंट डेटा कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा व्हिच आर कलेक्टिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द पेशेंट। तो एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, देन इज अनदर इज ऑब्जेक्टिव डेटा। तो वेदर ऑल दिस टाइप्स ऑफ डेटा इज कलेक्टेड इन मेकिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस, वाज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट प्री हॉस्पिटल रूटीन्स इंक्लूडेड। सो दिस वी हैव टू सी वेदर द एट द टाइम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान मेकिंग नर्सिंग केयर प्लान वेदर वी हैव इवैल्यूएटेड द पेशेंट हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन वी हैव डन और नॉट, लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स यूज्ड इन द प्लानिंग ऑफ केयर, सो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ असेसमेंट because laboratory results are also giving me certain data. Did the nurse perform physical assessments? So at the time of admission, she has to also perform the nursing physical assessment. She has performed on planning the care of the patient. How was information used? Information jo she has collected, whether she had actually put in the nursing care plan, but nursing diagnosis stated she has actually nursing diagnosis are types. So whether she has made as per the patient clinical condition or as per the needs of the patient or which one she would like ki aaj acha ye acha lagta hai to ye bana lete hain, ya fir wards mein aaj interest for infection hai to ye bana lete hain. So we have to see as per the needs of the patient and did the nurse write nursing order so on. So what implementation she has done, she has to see that also. That is we are talking about the retrospective evaluation that will be done after it care has been provided to the patient. We are taking the past data of the patient. Next we have the concurrent audit. Concurrent audit is the performed on the ongoing nursing. Suppose right now we are having the patients in our nursing units. So what we are doing is we are evaluating their records which are actually admitted in the hospital. The evaluation conducted on behalf of patient who are still undergoing the care. They are not discharged patient who are still admitted in the hospital. It includes assessment of the patient at the bedside in relation to predetermined criteria. So which I want to study, you can take that concurrent audit. It's for the needs of the nurses also and for the need of the hospital also. Interviewing the staff responsible for this care and reviewing the patient records and care plan. So did you understand the difference between concurrent audit and retrospective audit, all of you? आपको difference समझ में आया दोनों में क्या difference होता है? I want to ask from the group whether you are actually getting what I'm talking. Deepa? Yes, ma'am. Are you getting what I'm talking here? Yes. क्या बोला मैंने अभी आपको?
अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंकरेंट ऑडिट एंड क्या डिफरेंस होता है दोनों बताइए. कंकरेंट ऑडिट इज द परफॉर्म ड्यूरिंग ऑनगोइंग नर्सिंग केयर. जब हम बीएससी नर्सिंग का कोर्स लेते हैं तो वी हैव टू डू वन रिसर्च टॉपिक. सो इन दिस इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल ऑडिट एंड रिसर्च इज दैट रिसर्च इज अटेम्प्ट टू क्रिएट न्यू नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्टफीडिंग. यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ योर रिव्यूइंग ऑफ योर रिकॉर्ड्स. बट क्लिनिकल ऑडिट क्रिएट नॉलेज ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड नीड्स फॉर इम्प्रूवमेंट. जो अभी प्रैक्टिस चल रही है वी वॉन्ट टू इम्प्रूव दैट. Here it is to generate or test hypothesis or to identify or explore this. Here हम जब रिसर्च करते हैं तो एक हाइपोथिस बनाते हैं टू सपोज कैन बी एक्सपेरिमेंटल स्टडी और कि हमारे जो काम करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उससे क्या इम्प्रूवमेंट होगा. बट टू आंसर वेदर अ सर्विस रीचेज अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड वी आर ऑलरेडी क्रिएटिंग द प्री डिटरमाइंड चेकलिस्ट इन द क्लिनिकल ऑडिट. रिसर्च इज फॉर लार्ज स्केल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट जो क्लिनिकल ऑडिट होता है इज अ शॉर्ट टर्म बेस. आपको 3 months भी कर सकते हैं उसके बाद आपको आप उसका इवेल्युएट करेंगे. इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग टू योर गोल यू कैन री इवेल्युएट ऑल्सो. सो दैट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस. हियर इट इज रिसर्च इज अ क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. क्लिनिकल ऑडिट विल टॉक अबाउट करंट क्लिनिकल प्रैक्टिस अगेंस्ट एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड. इसमें हम क्या करते हैं जो हमारी करंट क्लिनिकल प्रैक्टिस चल रही है हॉस्पिटल में उसके अगेंस्ट हम सर्टेन जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं या स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी उसके अगेंस्ट हम प्रैक्टिसेस को मेजर करते हैं. सो वी विल सजेस्ट आफ्टर द क्लास वी विल सजेस्ट वन टॉपिक. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. मे इन्वॉल्व द कम्प्लीटली न्यू ट्रीटमेंट प्लेसिबो. इन दिस रिसर्च विल टॉक अबाउट कि कुछ न्यू ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं ठीक है विच वी कैन इवेल्युएट इन द रिसर्च. बट हियर चॉइस रिमेन दैट ऑफ क्लिनिशियन. So next we'll talk about audit as a tool for quality control. So audit जो हमने बात करी कि it will give you systematic data of the patient. ठीक है इसकी कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं तो how to improve upon that, whether we can suggest some of the best practices to improve our practices, it can be a use for quality control also. Auditing in the healthcare organization provide manager with a means of applying control measure to determine the quality of services rendered. कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कहाँ हम और अच्छे इंप्रूव कर सकते हैं नर्स जो हमें गैप्स बताएगा एंड वी विल फॉलो दैट प्रैक्टिसेस. इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस ऑफ पेशेंट आउटकम टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग द आउटकम प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ऑडिट. सो देयर इज अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड आउटकम ऑडिट प्रोसेस ऑडिट एंड स्ट्रक्चर ऑडिट. अगर हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे तो आउटकम आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ केयर कि हमारे जो एंड रिजल्ट्स हैं केयर के हम उसको ऑडिट करेंगे बस. द चेंजेस इन द पेशेंट हेल्थ स्टेटस कैन बी एट्रिब्यूटेड टू डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. एनी एग्जांपल ऑफ आउटकम ऑडिट इज वी कैन से दैट कितने प्रेशर अल्सर हॉस्पिटल में हो रहे हैं फॉर द बेडरिडन पेशेंट दैट इज योर आउटकम ऑफ द केयर. So whether it is increasing or decreasing, it will give you certain data about the quality of the nursing care. So outcome audits determine the what result if they occurred as a result of specific nursing intervention for clients. This audit assume the outcome accurately and demonstrate the quality of care that was provided. कि हमने जो care दी वो कितनी quality थी उसमें. So used to measure quality of hospital care including mortality, morbidity and length of hospital stay. प्रोसेस ऑडिट होता है जो आप जिस तरीके से केयर कर रहे हैं उसको ऑडिट करना. प्रोसेस ऑडिट्स आर यूज्ड टू मेजर द प्रोसेस ऑफ केयर हाउ द केयर वाज कैरीड आउट एंड इट कैन बी कि आप अगर हमने प्रेशर अल्सर्स की बात करी जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर्स होते हैं तो हम नर्सिस ने किस टाइप का केयर दिया वो इम्प्रूव केयर और कर सकते थे वेदर शी हैज गिवन एक्चुअली द बैक केयर टू द पेशेंट शी हैज फॉलोड द एयर मैट्रेसेस टू द पेशेंट उसने सेकेंड आर्ली पोजिशन किया कि नहीं किया दैट कैन बी इंक्लूडेड इन योर प्रोसेस ऑडिट. स्ट्रक्चर ऑडिट इज मॉनिटरिंग द स्ट्रक्चर और सेटिंग इन विच द पेशेंट केयर अकर्स सच एज फाइनेंसेस नर्सिंग सर्विसेज मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड एनवायरमेंट. जो आपका स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम हुआ है कि इस तरीके से काम होगा आप उसको ऑडिट करना चाहिए. दिस ऑडिट एज्यूम दैट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन क्वालिटी केयर एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर.
These above audits can occur retrospectively, concurrently, and prospectively also. For the effective quality control, the NEST measure has to play following roles and functions. So these are the certain steps of audit cycle, how it will go, and this is a cyclic process. It's not key. Once you will re-audit, your duty will finish. So if you have not reached your objective, you have to again re-audit again and again. So if we talk about identify the problem, so what you need to identify is the which audit you have to include in your study. So suppose you are taking care of the patient, you can take about ki kitna need is what? Ki jahan pe jada problem hogi, you can do the audit for that. Suppose aapke unit mein medication ulcer bahut zyada ho raha hai, pressure ulcer bahut zyada ho rahe hain to the patient. Ya pe aap jab blood sampling karte ho to hemolysis bahut zyada ho raha hai. So any of the current topic you can take which is affecting the life of the patient and you can select that. That is your identification of the problem. Then you can have to set the criteria. Set criteria means you have to take the certain agencies' protocols or standards. Against that, you have to prepare your checklist, and against that, you have to measure every day. That is your audit checklist. Then you have to start the audits, whether you want to do it daily, whether you have to do it monthly, whether you want to do it weekly, alternate day, that you need to decide. Then identify the barriers. So which are the barriers? Suppose you are auditing of the patient, physical restraint of the patient, but all the outcomes or your all the parameters are depend on the doctors only, so you cannot audit. So because doctor has not written the order, consent has been not taken for the patient, so it will be one of the barrier that you need to identify, and you have to remove that barrier before making the audit. Then you have to make the changes in the checklist and then again re-audit. So it is a cyclic process of the audit cycle. Okay, so is it clear, this audit cycle, to all of you? Yes ma'am. Okay, so this is same which we're discussing. We have to identify the best practices, select audit topic, write and disseminate the audit report. So after you're conducting the audit, whichever is your report, you have to disseminate to your participants also. It's not ki aapne wo band kar diya, aapka audit khatam ho gaya. No, agar share karenge us audit report ko, kya hoga? They'll also come to know their best practices or the bad practices, and they want to improve the things also. So jab hum audit karte hain, there are certain requirements for that. The clinical audit committee, reorientation of auditors, and planning medical care. So we'll discuss elements. Kya hota hai? Written standards of care hona chahiye. Suppose you are auditing about the infection control ki hamara biomedical waste generation kaise ho raha hai, to aapke paas standardized practices bhi honi chahiye uski. So you can take the WHO guidelines or the CDC guidelines which you have to follow. Then workable method होना चाहिए to provide pre-selected group of the charting. आपके पास एक audit group होना चाहिए, who will audit and what time they will audit to the patient. And workable system of communication. Your communication and coordination between each department should be decided beforehand. So before carrying an audit, audit committee should be there. Who are interested in quality ensure are clinically competent, able to work together. If आपने select करा कि ये audit करेंगे, but उनको खुद को knowledge नहीं है and you have not given the training also. So it will not solve your purpose. So you have to formulate your audit committee after determining all the factors which is included in your study, which is prerequisite for your study. It is recommended that each member should review not more than 10 patients each month. So this is given by certain agencies also. So it depends upon hospital to hospital setting also, which method or methodology they want to take for conducting an audit. So importance kya hoti hai audit for nurses is, increases nurses' awareness of the importance and the value of nursing care. So where we need to improve upon and where we have to apply your best practices, that can be included. Provides nurses with guidance for developing discharge plans. Aapko guidance dega agar aapki audit report achhi nahi aayi hai, to it will give you guidance ki humko we want to take or apply the best practices, or you can take the patient feedback also from that and where you need to improve. Increases learning about patient care problems. It will give you the horizon also, stimulate nurses' interest in the clinical nursing research, and it will help in your performance appraisal, because you will be recognized that you have conducted this audit, and this is a how you can taken this project into the higher level to improve the nursing practices. So what are the principles of nursing audit is? Defining the objective, why we want to do that study, you have to first define that. Developing standards and ways, so you have to make that checklist.
देन एग्रीइंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग चेंज दैट यू हैव टू एग्री. ऐसा नहीं है कि जो ऑडिट खत्म हो गया उसके बाद यू आर रिलक्टेंट यू विल नॉट इम्प्रूव बिकॉज दैट वर द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी आर फॉलोइंग. यू हैव टू अप्लाई दैट प्रैक्टिसेस इन योर डिपार्टमेंट ऑल्सो कि ये हमारी गलतियां थी और हमें ये अच्छा करके हमें इम्प्रूव होने की जरूरत है. मॉनिटर द स्टैंडर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द गैप एंड टेक एक्शन टू इंश्योर द गैप इज क्लोज्ड. These are the advantages. क्या होते हैं इसके? It can be used as a method or measures in all areas. It's not कि हम इसको education में ही लेते हैं, तो medical surgical units में, pediatric unit में, in your renal units, any of the unit it can be applicable. Scoring system is fairly simple. If you want, don't want to go for yes or no or non-compliance, you can give the scoring also 1, 2, 3, 4, 5, very good, good. Fair, poor, very poor, you can use that scoring system also. 1, 2, 3, 5, you can develop your checklist. And whichever audit you are doing, the result should be easily understood. It's not like that कि आपने जो इतना audit करा उसका analysis आपने अच्छा नहीं करा और आपको किसी का आप उसका result समझ में नहीं आया. तो who all are involved in the audit, you have to discuss that practices कि कैसे ये result निकला और इसको कहाँ पे improve होने की जरूरत है. Assess the work of all those involved in recording care and maybe a useful tool for quality. You are part of quality assurance program in your hospital. Disadvantages kya ho sakte hain? Many of the components overlap, making analysis difficult. Suppose you have not developed your checklist in the standardized way and which is not validated by the certain experts, so it can overlap your certain components and it, which will make your analysis difficult also. And this is a surely a time consuming, but you have to define your timeline whether you want to finish in the 3 months or the 1 month. Require a team of trained auditors, that is very, very necessary to conduct the audit in the defined or the standardized manner. So they should be given the training also, or if they are not trained, they are not competent, you have to advise the best solution to them. Deals with the large amount of information that is required because for conducting any kind of audit, you need the prerequisite data, you need the need for the problem, you need the other hospital's best practices also to conduct your audit checklist. Only evaluates record keeping, it only serves to improve documentation, not nursing care. It is not, I am not agreed with this. So if you'll improve, if you'll analyze and if you'll discuss this best, your audit report with your subordinates who are involved in the care, so you can improve your nursing care also based on your nursing audits. So this is the audit quality. Innovative future audits, responding to the market, developing exceptional people, leading and accountability, acting on audit quality intent. So this is your audit quality. How we can improve the quality of the audit? These are the internal factors, and external factors can be business environment. You want to improve the your patient inflow in the hospital. That can be your external factor for doing improving your quality of the services. Corporate governance. Your governing the practices. Then competition in the market. That can also involve in that. The regulatory environment. Suppose some regulatory body is coming to you and audit your hospital. Sustainability and innovation is very, very necessary. It's not like aaj wo audit karte hai do din ke liye, uske baad hamari jo practice hui wapas same track pe aa gayi. No, your best practice should be sustained throughout day without the absence of any auditor also. Investor and shareholder also involved in the back. They want to see how best practice can be included and how their investment will go in the hospital. Accountability and reporting complexity also. So these are the outcomes of nursing care. If you follow the best nursing audits, these can be the outcomes. It will decrease the cost. If you will take your audit in the financial constraints, so which will be the best practices for involving the care of the patient? You can use that. If we were using the previous product, which was too costly, now we have applied this product, which is less costly. So in this way, you can increase the cost, decrease the cost to the hospital. Productivity, your productivity will increase by doing the audit because you will understand your quality of nursing care better. Traceability, so you will be recognized also and your patients will be recognized. So this is the quality is more important than quantity. So quality, what do you understand by this slide is quality is more important than quantity. You are doing 100 things with your patient, but if you are, and you are creating the errors also.
So I want to say that suppose you are doing the 10 things with the patient and you are creating the errors, so it is not the quality work. Whatever you will do, it should be in the perfect manner, which is decreasing the errors and the incident in the hospital, that will achieve your objective of providing the quality care to the patient. So this is, I am sharing the certain checklists which you can use for doing the nursing audits. So this is a checklist for recording the documentation. So here we have written yes, no, and not applicable. Any of the remarks you can want to write, you can put in the comments column. So statement of the purpose available, resident guide available, resident. So it is one of the example of creating the checklist, but you can create your own also. This is also a nursing process technique. So never, sometimes, always. So here you have given the scoring also, never for zero, sometime for 50 and 100 for always. So you can, this is two types of nursing audit checklist. Here you can go for subjective parameter, yes, no, or not applicable. But here you are giving the scoring for each parameter. And you can do it objectively also. So if we'll talk about nursing process, comprehensive nursing assessment of all the patient during the first 24 hours of admission is done or not by the nursing. Prioritization of data is done. Then consulting with the patient and family in data collection, whether when they are taking the nursing admission, they're consulting the patient and family and recording the patient medical past and surgical history. Reassessment in patient where there is any change in the patient healthcare related. So suppose patient fall happened, patient deteriorated from the previous condition. So reassessment of the patient is done or not, whether they are doing it never or sometimes or the always, or recording and reporting assessment findings in appropriate or form correctly. So any of the documentation they are doing or any of the reporting parameter they are involving, they are doing it at a time or in the appropriate timely manner or not, or they are doing predetermined or they are doing the post after the things have been done. So this is the wrong practices. So here, this is the nursing audit checklist for the nursing process. So an audit helps to ensure the quality of nursing care desired and feasibility is achieved. And the concept is often referred to as quality assurance. So this is all about the nursing audit. So anybody would like to say something or want to add something? How we can do the nursing audits in our departments? From the participants, I would like to ask, Are you all here in this session? Yes, ma'am. I want to ask, I have completed my session. All of you want to ask something from me, from this audit, nursing audit PPT, which is not clear to all of you. Have you understood the concept? Yes, ma'am. Yes, okay. So I want to ask which nursing audit topic you can suggest in your nursing department. You are attending which course here? In administration? Patient and management. Yes. So as patient manager, you have to conduct the audits also. You know that? Yes, ma'am. So which topic you want to suggest where you can do the audits to improve the quality of nursing care in a department? Infection control audit. Which infection control is a big topic. So infection control, you have to be specific. Infection control itself will include 100 things. So infection control, which audit you want to take and why? Whether you want to study the biomedical waste practices, whether you want to study the sampling technique of the nursing, whether you want to study the sterility technique in the patient care area. So which one you want to study, you have to be specific for creating your nursing audit checklist. Yes or no? Yes, are you getting my point? Yes, ma'am. Okay. So tell me, suggest me one topic. Infection control mein aap kya study karenge? High risk area mein kya study karenge? हाई स्कूल एरिया में ओटी में ही कितनी चीजें होती हैं, है ना?
एंडोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी दिस ऑल आर योर हाई रिस्क एरियाज यस और नो सो व्हाट यू वांट टू स्टडी यू हैव टू क्रिएट द चेकलिस्ट which is the standardized checklist given by the WHO or the CDC, or you don't want to take the checklist, but you can take the parameter, standardized practices which can be included in the patient care area. Yes, ma'am. So, apne lab batao koi topic audit ke liye. Biomedical waste management, ma'am. Wo to maine hi bola, kuch aur batao. अच्छा चलो बायोमेडिकल वेस्ट आप ऑडिट करोगे क्या ऑडिट करोगे उसमें आप क्यों करोगे ये बताओ आप किस एरिया में काम करते हैं स्वप्निल अभी मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ हाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ आप यस तो आप क्या ऑडिट कर सकते हैं अपने कम्युनिटी में जो आपको हेल्प करेगा जो हमारे कम्युनिटी के अंदर जो सब सेंटर होते हैं क्यों आप बायोमेडिकल वेस्ट लोगों को यूज नहीं होगा क्योंकि आपके पास तो पेशेंट्स आते नहीं है ना आप तो पेशेंट के पास आपको जाना पड़ता है ना कम्युनिटी में तो व्हाट यू कैन से पेशेंट आते हैं ना पर पेशेंट तो आते हैं ना सब सेंटर हां सब सेंटर में रहते हैं ना ओपीडी में ओपीडी बेसिस पे रहते हैं ओपीडी बेसिस पे रहते हैं ठीक है तो आप अपनी कम्युनिटी की नीड्स को कैसे असेस कर सकते हो यू कैन सी द बेस्ट व्हिच आर द डिजीज एग्जिस्टिंग इन योर कम्युनिटी बाय टेकिंग वन चेकलिस्ट कि किस टाइप के पेशेंट्स वहां पे आते हैं ज्यादा किस एज ग्रुप के आते हैं जिनको ये सिम्टम्स रहते हैं तो आपके एरिया में किस टाइप के केसेस आ You can do the audit on that also. Which will help you to define your community gray areas and where you want to improve. कौन सी disease वहाँ पे prevalent है आपको क्या health education देने की ज़रूरत है वहाँ पे उनके practices कैसे हैं social practices कैसे हैं hygienic practices कैसे हैं You can develop that checklist also there. Yes or no? So we can close the session or they want to ask something? Anyone ask any question? Any query? No, ma'am.